Hello viewers, this is Anand Kushwaha from Rajwada Classes. Today we have a sum of 12th standard of subject bookkeeping and accountancy. उसमें का हमारे पास 8th sum है final account का. Guys, इस sums को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को जरूर पूरा ही देखें. आधा देखने पर ये वीडियो आपको समझ में आने वाला नहीं है. So, concept को clear करने के लिए full वीडियो जरूर देखें. नाना एंड नानी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. जो दोनों पार्टनर से अपना प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. गाइस, इस सम्स में हमको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है. हम लोग इससे पहले या इसके बाद में जो भी सम्स करने वाले हैं उसमें हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीन इस तरह के अकाउंट बनाने हैं, जिसमें से दो अकाउंट है और एक क्या है, स्टेटमेंट है. बट गाइस, इन दिस सम वी हैव टू प्रिपेयर ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ए स्टेटमेंट, जैसे कि बैलेंस शीट, और उसके अलावा कुछ भी हमको ये प्रिपेयर करना नहीं है. सो गाइस, हियर अपने को गिवन है ट्रायल बैलेंस. उसमें कुछ डेबिट बैलेंस के आइटम है और कुछ क्रेडिट बैलेंस के आइटम है, और हमको एक सुंदर सा एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं गाइस, जो कि है फर्स्ट वन इज गुड्स. सॉरी, हमको गाइस इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट टैली करने के लिए हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए. और ग्रॉस प्रॉफिट पता होने के लिए गाइस, हमको ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर गिवेन है. देन आता है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विच इज़ टेकन विच इज़ पेड इन फर्स्ट अप्रैल 2018, मीन्स ईयर के फर्स्ट डे पे ही पे किया है. डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% पर एनम एंड फर्नीचर 5%. राइट ऑफ ₹1000 फॉर बैड डेप्ट एंड मेंटेन RDD एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स. क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट दिस. सो गाइस, इन दिस सम वी हैव ए इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड इंश्योरेंस. सो गाइस, वेयर इज अवर इंश्योरेंस? इंश्योरेंस एंड गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन बैंक लोन टेकन ऑन 1st October 2018. सो गाइस, ये तीनों जो मैंने स्टार मार्क किए हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है गाइस. ये सब के सब एग्जाम्स में इसी तरह के सम्स आने के चांसेस होते हैं. सो गाइस, लेट्स बिगिन. हमारा फर्स्ट आइटम है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कहाँ जाएगा गाइस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं गाइस, टू इंश्योरेंस में गाइस हमको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग इंश्योरेंस को क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिख लेंगे. कितना है गाइस? 15,000. देन गाइस, उस पर एडजस्टमेंट दिया हुआ है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ विच इज पेड इन फर्स्ट अप्रैल. सो गाइस, हम लोग इंश्योरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं गाइस. 15 मंथ का इंश्योरेंस हमको दिया हुआ है ₹15,000. और गाइस, अपना ईयर कितने मंथ का होता है? 12 मंथ का. तो 12 मंथ में कितना होगा गाइस? सो हम लोग ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड बाई 15 कर देंगे गाइस. तो 12 इंटू 15,000 डिवाइड बाय 15,000 मीन्स गाइस 12 मंथ का हो जाएगा हमारे पास ₹12,000. अपने गाइस यही फाइंड आउट करना था. सो हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे, और गाइस बचा हुआ जो 3 मंथ का, यानी 12,000 तो गाइस हमारा ये इस मंथ का आया, इस ईयर का आया हुआ है. टोटल कितना दिया था हमको? 15,000. तो इसमें का जो 3,000 गैप है गाइस, वो हो जाएगा हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस. तो हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ से लेस कर देंगे. लेस प्रीपेड कर देंगे गाइस. अब प्रीपेड गाइस कितना? इसमें हमारे पास ₹3,000, 3,000 लेस कर देंगे, तो इस ईयर का हमको मिल जाएगा गाइस ₹12,000. और जो गाइस हमने ये 3,000 लेस किया है प्रीपेड, ये हमारा क्या होता है? एसेट होता है. कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड है तो हमारा एसेट होता है, तो हम उसको एसेट साइड रिकॉर्ड कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस नाम देकर. अमाउंट कितना है गाइस? ₹3,000. देन गाइस हमारे पास नेक्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग क्या है गाइस? एसेट है हमारा, तो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग पे गाइस हमको कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है और कुछ डेट भी दिया हुआ है. सो गाइस डोंट वरी, हम लोग इसको एकदम केयरफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं. लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या दिया गाइस? एडिशन ऑफ बिल्डिंग है हमारे पास ₹20,000 का, विच इज परचेस्ड ऑन 1st July 2018. सो गाइस, इसका एडजस्टमेंट है हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10%. सो गाइस, इसका वर्किंग नोट हम लोग बहुत अच्छा बना लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर सेकेंड आता है गाइस हमारा, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. सो
लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल अमाउंट कितना दिया गाइस? 50,000 रुपीज़। उसमें से गाइस 30,000 क्या हमारे पास ओल्ड है और 20,000 क्या दिया हुआ है गाइस? न्यू लैंड एंड बिल्डिंग है और 30,000 क्या है? ओल्ड है। ओल्ड वाला पूरा होल ईयर का था, मीन्स 12 मंथ था। और ये न्यू वाला गाइस कब परचेस किया हम लोगों ने? 1 जुलाई को परचेस किया है। तो 1 जुलाई से गाइस अब तक का कितना दिन होता है हमारे बिजनेस का मंथ? 9 मंथ होता है। तो ये इसमें कितने मंथ के लिए आएगा? 9 मंथ के लिए, मीन्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ। सो गाइस ये 30,000 पे 10% मिल जाएगा गाइस हमको, 3,000 रुपीज़। और ये 20,000 पे भी गाइस हमको कैलकुलेट करना है 10%, बट गाइस 9 मंथ के लिए, तो मीन्स 9/12, 000 गोइंग टू बी कैंसल, 3 3 9 और 3 4 12, 4 1 4, 4 5 50, 5,000 × 3 तो आ जाएगा गाइस हमारे पास 15,000, 4 5 20, तो आ जाएगा गाइस हमारे पास 500 और 500 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा 1500, 1,500 रुपीज़। सो गाइस इनको ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 4,500 रुपीज़। ये आ गया गाइस हमारा डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेस 10% डिप्रिसिएशन, कितना है गाइस हमारे पास? 4,500 रुपीज़। इसको यहाँ से लेस करेंगे तो गाइस कितना बचेगा हमारे पास? 000 00, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, और ये 4, 45,500 रुपीज़। और गाइस जो 4,500 है इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है गाइस? 4,500 रुपीज़। सेकेंड आवर आइटम इज सैलरीज क्या है गाइस? एक्सपेंस है, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 2 सैलरीज, कितना दिया हुआ है गाइस? 5,000। अब उस पर कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या? नहीं दिया हुआ, तो इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लेंगे 5,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट आइटम इज एक्सपोर्ट ड्यूटी, इस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो इसको भी डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लेंगे गाइस, कितना अमाउंट? 2,500 रुपीज़। देन आता है गाइस इंटरेस्ट पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर लेंगे 2 इंटरेस्ट, कितना गाइस? 1,000 रुपीज़। देन आवर नेक्स्ट आइटम इज फर्नीचर इज आवर एसेट, तो हम लोग इसको क्या करेंगे इस यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे फर्नीचर पे भी गाइस क्या हमको एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में गाइस फर्नीचर का अमाउंट लिख लेंगे, कितना है? 40,000 रुपीज़। कितना गाइस फर्नीचर पे एडजस्ट? 5%, तो 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000 और इसका 5% हो जाएगा 2,000 रुपीज़, यहाँ से लेस कर देंगे, लेस 5% डिप्रिसिएशन, कितना हो जाएगा गाइस? 2,000 रुपीज़, तो फर्नीचर आ जाएगा 38,000 रुपीज़, और 2,000 का सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो डिप्रिसिएशन हेड हमने एक बनाया हो तो यहाँ से पे लिख लेंगे ऑन फर्नीचर, कितना है गाइस? 2,000 रुपीज़। सो गाइस अब हमारे यहाँ पे टोटल डिप्रिसिएशन 2 ही आइटम पे था, तो हम अब इनको क्या कर लेंगे? ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे 6,500 रुपीज़। देन आता है गाइस हमारे पास डेटर्स, और डेटर्स पे क्या दिया गाइस हमको? एडजस्टमेंट दिया हुआ, डेटर्स का अमाउंट, डेटर क्या है? एसेट है, और डेटर्स का अमाउंट कितना गाइस हमारे पास? 26,000 रुपीज़, तो इनर कॉलम में 26,000 रुपीज़ लिख लिया गाइस। अब क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट केयरफुली रीड करना है हमको, राइट ऑफ 1,000 रुपीज़ फॉर बैड डेप्ट, यहाँ से क्या कर देंगे? लेस न्यू बैड डेप्ट, कितना गाइस? 1,000 रुपीज़, कितना बचेगा गाइस? 25,000 रुपीज़। अब गाइस इस पर भी क्या है? RDD मेंटेन करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? लेस न्यू आरडीडी, कितना परसेंट है गाइस? 5%, तो 25,000 का 5% कैलकुलेट करना है। सो गाइस हम लोग इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, 25,000 × 5% यानी 5/100, तो 00 गोइंग टू बी कैंसल, 25 × 125 और ये 10, 1250 आ गया गाइस, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1250 रुपीज़, न्यू RDD इसको लेस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 जाएंगे तो 3 और ये 2, 23,740 रुपीज़, ये आ गया गाइस हमारा न्यू RDD का अमाउंट 1250। यहाँ पे इसको हम लोग ऐड लिखा देंगे टू बैड डेप्ट, कितना आया गाइस? बैड डेप्ट हमारा 1,000 रुपीज़ था, तो 1,000 रुपीज़ यहाँ पे लिख लेंगे,
इसमें ऐड कर लेंगे न्यू RDD, न्यू RDD कितना है गाइस, न्यू RDD 1250, दोनों आउटर कॉलम में चले जाएंगे गाइस 2250। सो गाइस यहाँ पर मैंने 25,000 में से 1250 लेस किया था, यहाँ पे लास्ट में 40 आया, सॉरी गाइस यहाँ पे 50 आएगा, बिकॉज 10 में से 5 जाएंगे तो 5 50। अब आता है गाइस हमारा कैपिटल, कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी, हम लोग इसको यहाँ पर सिंपली रिकॉर्ड कर लेंगे कैपिटल अकाउंट लिखकर, कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कैप पार्टनर कौन है गाइस, नाना, नाना का कैपिटल कितना है 50,000 रुपीज़, इनर कॉलम में लिख लेंगे। एंड नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे एक लाइन छोड़कर लिख लेते हम लोग नानी, नानी का भी कैपिटल कितना है गाइस 50,000 रुपीज़। देन आता है गाइस हमारा 10% बैंक लोन टेकन। अब बैंक लोन हमारा लाइबिलिटी है तो इसको लाइबिलिटी साइड लिख लेते हैं यहाँ पर, बैंक लोन, बैंक लोन कितना अमाउंट गाइस 30,000, इनर कॉलम में हम लोग ले लेते हैं 30,000 गाइस। कब लिया हम लोगों ने उसको, 1 अक्टूबर को, मीन्स हमारे बिजनेस में कितना दिन रहा गाइस, 6 मंथ, तो हम लोग 10% निकाल लेंगे तो 10% आएगा गाइस इसका 3,000 रुपीज़। अब 3,000 का हाफ करना है बिकॉज हमारे पास आधे साल के लिए ही था बिजनेस में बैंक लोन, तो 3,000 का आधा हो जाएगा 1,500 रुपीज़, तो 1,500 आ जाएगा आजकल, कर लेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। देन ये गाइस हमारा कहाँ चला, ऐड होकर आउटर कॉलम में चला जाएगा 31,500 रुपीज़। और हमारे लिए बैंक लोन क्या है गाइस, लॉस है, तो हम लोग इसको कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है गाइस 1,500 रुपीज़। देन आता है गाइस अवर नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट 1,500, तो इंटरेस्ट भी क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट, कितना है गाइस 1,500 रुपीज़। देन आता है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी क्या है लाइबिलिटी है, यहाँ पर लिख लेंगे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है गाइस 8,000 रुपीज़, इन आउटर कॉलम में लिख लेंगे इसको। अब गाइस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स ट्रायल बैलेंस के सारे इफेक्ट ओवर हो चुके हैं, अब हम लोग एक एक एडजस्टमेंट चेक करते हैं। सो गाइस फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट है 34,500, तो गाइस ये हमको इन्फॉर्मेशन दिया तो हम लोग इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है गाइस 34,500 रुपीज़। सो गाइस फर्स्ट एडजस्टमेंट इज फिनिश। सेकेंड इफेक्ट है इंश्योरेंस का, वो भी हो चुका है, दो इफेक्ट हमारे डिप्रिसिएशन का भी, दोनों डिप्रिसिएशन का, लैंड एंड बिल्डिंग का और फर्नीचर का, दोनों भी हो चुका है हमारा, राइट ऑफ बैड डेब्ट भी हो चुका है। अब आता है गाइस क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 34,500, तो गाइस हम लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। सो गाइस हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं देते हैं, जो कि हमको कहाँ देना था ट्रेडिंग अकाउंट में। सो ये हमारा सिर्फ कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में आएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना गाइस 34,500 रुपीज़। तो ये थे गाइस हमारे ओवरऑल ऑल इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट एंड ट्रायल बैलेंस आइटम। आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझा होगा, और गाइस अब टैली कैसे करना है मैं ये सिखाने वाला हूँ। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप कर करके ना देखें। सो गाइस अब हम टैली करना शुरू करते हैं, इस साइड का टोटल कर लेंगे गाइस, तो आ जाता है हमारा यहाँ पर सिंपली 36,000, कितना है गाइस 36,000, आप ऐड करके चेक कर सकते हैं गाइस। और यहाँ का ऐड करने के बाद आता है गाइस हमारे पास इस सेट का गाइस टोटल है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ही रिकॉर्ड कर लेंगे 36,000 रुपीज़। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली गाइस ये टोटल में से इन सब का टोटल लेस करने वाले, जब हम इन सब का टोटल लेस करेंगे गाइस तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 5,250 रुपीज़, ये हो गया गाइस हमारा नेट प्रॉफिट। अब गाइस सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर्स है गाइस नाना एंड नानी, हमको स्टार्टिंग में बताया गया है कि ये दोनों पार्टनर्स अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करने वाले हैं, तो गाइस इनको 5,250 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो इनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो आने वाला है गाइस 2,625 रुपीज़, ये दोनों पार्टनर का हो गया। फर्स्ट पार्टनर है हमारे नाना और सेकेंड पार्टनर है नानी, ये कहाँ पे क्या बोलेंगे गाइस हम इसको, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। और ये कहाँ पे जाएगा गाइस, ट्रांसफर होकर यहाँ से कैपिटल में जाएगा, तो हम लोग इसको कैपिटल में रिकॉर्ड कर लेंगे, नाना के कैपिटल में लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड क्या कर लेंगे गाइस हम लोग इसमें, नेट प्रॉफिट कितना जाएगा गाइस 2,625 रुपीज़, इधर ऐड करके इसको ऑटर कॉलम में लिख देंगे 52,625 रुपीज़। एंड नानी के
कैपिटल में भी हम लोग क्या कर लेंगे गाइस, नेट प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। तो इस इनका भी कितना है 2625, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 52625 रुपीस। अब गाइस जब हम इनको ऐड करेंगे सबका, तो गाइस हमारा एसेट साइड आ जाएगा 1,44,750 रुपीस, और सेम गाइस आने वाला हमारा लाइबिलिटी साइड में 1,44,750 रुपीस। गाइस मैंने आपके सामने क्यों टोटल लेके आया, बिकॉज वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम हो जाता है गाइस, लॉन्ग वीडियो बन जाता है जिसकी वजह से आप लोग देखते नहीं हो। इसीलिए गाइस ये मेरी थोड़ी सी कोशिश थी कि आप लोगों को सम अच्छी तरह से समझ में, और वीडियो हो सके जितना ज़्यादा हो सके उतना छोटा बने। सो गाइस सम्स अच्छी तरह से, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और गाइस और भी ज़्यादा वीडियोस इसी तरह के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और गाइस अगर आपको सम्स ना समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको कहां पर तकलीफ आ रही है। सो गाइस मैं उसको सॉल्व करने की पूरी तरह से अपना 100% दूंगा गाइस। थैंक यू।